बात करते हैं 25 बड़ी खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगान के बिगड़े हालातों पर गनी पर थोड़ा ठीकरा कहा, बिना लड़े मानी हार, सेना वापसी के फैसले पर अड़े, बोले कब तक मरते रहेंगे हमारे सैनिक। ओलंपिक के बाद अब पैरालंपिक पर नजरें, खेल में भाग लेने वाले एथलीट से बातचीत करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर बढ़ाएंगे हौसला। बाढ़ के बाद आज सीएम शिवराज का मंथन, भोपाल में केंद्रीय राहत दल के साथ होगी बैठक, ग्वालियर चंबल में बर्बादी का टीम ने लिया जायजा। आज मालवा निमाड़ में जन आशीर्वाद यात्रा पर सिंधिया, इंदौर से देवास तक जोरदार तैयारी, बैनर पोस्टर से सजा शहर, जन आशीर्वाद यात्रा पर सिंधिया। बीजेपी का मिशन उपचुनाव, आज अलीराजपुर जोबट विधानसभा का दौरा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। सीएम भूपेश बघेल आज नवा रायपुर में करेंगे पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डेंगू ने पसारे पांव, राजधानी में फिर मिले 23 पॉजिटिव, पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 173। खबर विदिशा से, लटेरी के मुरवास में संत राम वाल्मीकि हत्याकांड में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया, ये नोटिस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जारी किया। डिंडौरी में देर रात सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, इस मुखबिर की सूचना के आधार पर देवरा निवासी पावन सोनी के घर पर पीछे छिपाकर रखी अवैध 72 लीटर विदेशी शराब जब्त कर ली गई। छिंदवाड़ा में एक घायल कोबरा का इलाज कराकर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया, कोबरा छिंदवाड़ा के उभे गांव में जंगल में किसी जानवर के पैर रख देने की वजह से घायल हो गया। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना में एक सट्टेबाज को स्टाफ ने गिरफ्तार किया, जहां पूछताछ के दौरान सट्टेबाज की तबीयत खराब हो गई, आनंद फानंद में इंद्रगंज थाना स्टाफ ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को अमेरिकी प्लेन से लटककर भागने के दौरान 7 लोगों की गिरकर मौत हो गई, वहीं अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट पर 2 हथियारबंद लोगों को मार गिराया। अफगानिस्तान के हालातों पर विदेश मंत्रालय का बयान, मंत्रालय ने कहा अफगानिस्तान के हालातों पर बनाए हुए हैं नजर, भारतीयों की सुरक्षा है हमारी पहली प्राथमिकता, अफगानिस्तान के हालातों पर विदेश मंत्रालय का बयान। चीन ने स्वीकार की तालिबान की सत्ता, कहा अफगानिस्तान के लोगों के फैसले का करते हैं सम्मान, तालिबान से दोस्ताना संबंध चाहता है। काबुल से 120 से ज्यादा भारतीयों को लेकर उड़ा एयरफोर्स का विमान, भारतीय दूतावास के कर्मचारियों, आईटीबीपी के जवान, कुछ मीडियाकर्मी विमान में मौजूद, एयरफोर्स का C-17 विमान काबुल से दिल्ली के लिए उड़ चुका है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर केंद्र सरकार ने पिछली यूपीए सरकार पर लगाया आरोप, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा यूपीए सरकार ने चालबाजी करके कम किए थे दाम, केंद्र ने पिछली यूपीए सरकार पर लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर रहेंगे, इस दौरान 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री। अफगानिस्तान संकट पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हार के तौर पर दर्ज होगी। यूएस में अफगानिस्तान संकट पर व्हाइट हाउस के बाहर लोगों का प्रदर्शन, बाइडेन ने धोखा दिया लगाए नारे। अफगानिस्तान के लोगों से संयम बरतने को कहा गया, महिलाओं और लड़कियों को लेकर जाहिर की गई चिंता। पाक पीएम ने दिल खोलकर पाकिस्तान का किया समर्थन, पीएम इमरान खान ने कहा अफगानियों ने तोड़ी जंजीरें, अफगानिस्तान हुआ रिहा, पाकिस्तान ने किया समर्थन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड जाएंगे, आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले राज्य के लिए अहम ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। भोपाल के 15 ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लगाया गया, बाहर गए लोगों को फोन करके बुला रहे स्वास्थ्य कर्मी। मध्यप्रदेश के भोपाल में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा इंदौर, भोपाल में संक्रमित मरीज पाए गए, भोपाल में कोरोना के 7 नए मामले।